मैं रमन तुम्हारे घर स्वागत करता हूँ आप सभी का नेगेटिव थिंकिंग दोस्तों। आज की चर्चा का विषय है एसपी ऑर्डर नंबर 6/2023 के बारे में चर्चा करेंगे। एसपी ऑर्डर नंबर 6/2023 में जो रिलीज हुआ था उसकी रिलीजिंग डेट है 31 मार्च 2023। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एसपी ऑर्डर है और इसके बाद में जो 7वें नंबर का एसपी ऑर्डर है वो भी दोनों लगभग सेम से ही है। दोनों में अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसके बारे में बताया गया है। कहने का मतलब है कि एक स्कीम है हमारे पास पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नाम से, इसमें जो अधिकतम जमा की जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। अधिकतम जमा की जो सीमा है उस सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ यही जानना है हम लोगों को एसबी ऑर्डर नंबर 6 और 7 में। 7 में अलग स्कीम के बारे में है, हम लोग फिलहाल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो सीनियर सिटीजन सेविंग जो स्कीम है इसमें मिनिमम जो खाता है वो 1,000 रुपए से खोला जा सकता है। 1,000 के गुणक में खाता खोला जाता है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ के साथ इस बात का ध्यान रखें कि इस खाते की जो परिपक्वता अवधि है मैच्योरिटी जो पीरियड है वो 5 साल का है। अगर इसको प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवाना है तो उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो है खाता खोलने के 1 साल बाद हम लोग इसे प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्री मैच्योर क्लोजर का जो टाइम पीरियड है वो आप लोग अकाउंट ओपनिंग डेट से ही इसे प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट्स की शायद ऐसा कोई पाबंदी है नहीं ना मेरे को याद है, लेकिन 1 साल का टाइम लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। सीनियर सिटीजन के अकाउंट चाहिए खाता खोलने के बाद कभी भी आप इसे क्लोज करवा सकते हैं। नेक्स्ट मिनिमम मैक्सिमम की जो लिमिट है वो अब बढ़ा के पहले 15 लाख थी, अब बढ़ा करके इसे 30 लाख कर दिया गया। और सिर्फ और सिर्फ हमें यही जानना है इस एसबी ऑर्डर में जो जमा की जो अधिकतम सीमा है मैक्सिमम जो लिमिट है जमा की इस खाते में वो 30 लाख रुपए है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा और इसको और ध्यान रखें कि अगर किसी के ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवा रखा है और इसको एक्सटेंड करवाना है तो इसे अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाया जा सकता है। यानी कि एक खाते को अधिकतम आप 8 साल तक इसे रन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात के ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसमें जो भी पैसा जमा होता है वो इनकम टैक्स एक्ट 80C जो उसका रूल है तो क्लॉजेज है उसके तहत ये इनकम टैक्स से छूट के लिए क्वालिफाई करती है। यानी कि अगर किसी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा कर रखा है और वो इनकम टैक्स में अगर छूट लेना चाहते हैं तो ये जो अमाउंट है वो वहां पर शो कर सकते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और रखा है, तो वहां से छूट मिल जाती है 80C में। और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि 50,000 रुपए तक अगर आपको इंटरेस्ट मिलती है एक वित्तीय वर्ष में, अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद में आप लोगों को इस पर भी इंटरेस्ट पर भी इनकम टैक्स देना होता है। और जो इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वो क्वार्टरली रूप से यानी कि 3 महीने बाद में आपके खाते में जमा हो जाती है। पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है वहां पर भी जमा हो जाती है और अन्य जो सेविंग अकाउंट है वहां पर भी जमा हो सकती है। तो ये जो इंटरेस्ट हर 3 महीने बाद पीएफपी में जमा होती है इस पर टीडीएस कटता है। अगर इस टीडीएस को बचाना है तो उसके लिए 15H फॉर्म आपको सबमिट करना होता है पोस्ट ऑफिस में या जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, बैंक में है तो वहां पर भी सेम प्रोसीजर है, तो वहां पर भी आप लोग टीडीएस को सेव कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखें, यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।